स्नेक वेनम केस के चलते 5 दिन जेल में बिताने के बाद भी एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। हाल ही में एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी, जिसके बाद अब एल्विश यादव का फोन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, डिलीटेड डेटा भी रिकवर किया जाएगा, यानी कि एल्विश यादव के कॉन्वर्जेशंस, उनकी फोन कॉल्स का पूरा ब्यौरा निकाला जाएगा। एल्विश के साथ साथ उनके दो दोस्त ईश्वर और विनय का भी फोन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। हाल ही में ये भी खुलासा हुआ था कि एल्विश यादव इस पूरे कांड में वर्चुअल नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को स्नेक वेनम केस में अरेस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। एल्विश यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कई धाराएं लगाई गई थी, जिसके बाद जमानत मिलना बेहद मुश्किल था, मगर बाद में नोएडा पुलिस ने इस बात को माना कि उनसे क्लरिकल मिस्टेक हुई है और एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं में बदलाव की गई है, जिसके बाद 5 दिन जेल में बिताने के बाद एल्विश यादव को बेल मिल गई थी। हालांकि एल्विश यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, एल्विश यादव से गुरुग्राम पुलिस ने भी पूछताछ की थी उनके और मैक्सटर्न के बीच में हुई मारपिटाई के चलते। वही जेल से आने के बाद एल्विश यादव ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा किया कि कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शन उनका इस वक्त काम नहीं आया, ना पावर काम आई ना पैसा काम आया। हालांकि सोशल मीडिया पर एल्विश यादव को अपने फैंस का सपोर्ट मिल रहा है, एल्विश आर्मी लगातार एल्विश के सपोर्ट में है। इतना ही नहीं, कई यूट्यूबर्स भी एल्विश यादव के सपोर्ट में आए। वही एल्विश यादव ने अपने काम को रिज्यूम कर लिया है, वो लगातार अपने इवेंट्स में जा रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं और साथ ही अपने रियलिटी शो को भी होस्ट कर रहे हैं। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या फिर से एल्विश यादव को अरेस्ट किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।